Hello students, I hope you have completed the previous exercises. So today we will start the participles. तो participles जो है ना वो तीन types के होते हैं, present participle, past participle and perfect participle. तो present participle में simple verb plus ing, verb plus ing. इसमें past participle में simple third form of the verb आती है एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे कि आप यहाँ पे देखिए सींग फिनिशिंग ड्रॉइंग, तो यहाँ पे हमारा वर्ब है प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब है प्लस आईएनजी फॉर्म. और यहाँ पर थर्ड फॉर्म सीन फिनिश्ड ड्रॉन्ड, जो आपने याद किए थे मैंने आपको कहा था. एंड इन दिस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग सीन, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग ड्रॉन्ड. इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल waiting and working, simple ing form aati hai. So, the present participle is formed by adding ing into the first form, root form mein simple hum ing add kar dete hain, present participle ban jata hai. Next, the present participle describes an incomplete action or state. Ye bhi incomplete, jo kaam abhi tak hua nahi hai, bas chal raha hai, process is going on. Jaise burning train, train jal rahi hai. वेटिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो वेटिंग प्रोसेस हो रहा है, बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, तो जो कंटिन्यूएशन प्रोसेस होता है उसको शो करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है. नेक्स्ट, द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज एक्टिव इन फॉर्म. ये बिल्कुल एक्टिव फॉर्म होता है, मतलब बिल्कुल उसी टाइम की, और एक्टिव वॉइस यहाँ पर यूज़ होती है. आपने पढ़े होंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस यहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है. जैसे कि द बर्निंग ट्रेन, तो ट्रेन वॉज बर्निंग, ट्रेन जल रही है, एक्टिव फॉर्म है, ट्रेन अभी तो जल रही है, एक्टिव है. इस टाइम के बारे में बात करें जब ट्रेन जल रही है, तो जब वो फ्रेंड्स के लिए वेट कर रही है उस टाइम के बारे में बात करें, तो बिल्कुल एक्टिव के बारे में बात करें, बिल्कुल अभी के टाइम के बारे में बात करें, दैट इज एक्टिव फॉर्म. द प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल आई एन जी नॉन फाइनाइट वर्ब विच लास्ट इन आई एन जी इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्क्स और यूज एज एन एडजेक्टिव और एक्टिव फॉर्म. तो हमारे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो नॉन फाइनाइट वर्ब में भी रहती है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है. कैसे, अब आप देखेंगे, द पार्टिसिपल डिनोट द टाई व्हेन इट इज सेम एज द प्रिंसिपल वर्ब. जब भी वो प्रिंसिपल वर्ब की तरह सेम होती है, पार्टिसिपल डिनोट करता है एक टाई को, मतलब एक कॉम्बिनेशन को. ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट फॉर्म को, पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं. जैसे कि ही सॉ द ट्रेन कमिंग, उसने ट्रेन को आते हुए देखा, आते हुए कमिंग. द ड्रॉनिंग आंट कैचेस अ फायर, जो आंट डूब रही थी उसने उसको स्ट्रॉ को पकड़ा, तो वो जो डूब रही थी. आप हिंदी की फॉर्म में करके देखोगे ना तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा. ही इज सीन कुकिंग विदाउट फायर, उसको देखा गया बिना फायर के कुकिंग करते हुए, कुकिंग. प्लेइंग विद मंकीज जगलर्स वर्ड, जगलर का काम होता है मंकी के साथ खेलना, प्लेइंग, ठीक है. आई वेंट इन द डाइनिंग रूम सिंगिंग, मैं गाते गाते डाइनिंग रूम में गई, सिंगिंग, ठीक है. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के यूजेस कहाँ पे यूज किया जाता है. बिफोर द क्वालिफाइंग नाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन बी प्लेस्ड एज एन एडजेक्टिव. क्वालिफाइंग नाउन मतलब जिस नाउन के बारे में सेंटेंस में बात हो रही है उससे पहले हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं. मतलब क्लाइंबिंग मंकी, कैसा मंकी, क्लाइंबिंग मंकी, स्क्रैच द क्लोथ्स. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कैसे डॉग्स कभी कभार बाइट करते हैं, बार्किंग डॉग्स. तो एक एडजेक्टिव की फॉर्म में और ये वर्ब भी है. एडजेक्टिव को हमने आई एन जी फॉर्म में लिख दिया, बार्किंग. पीपल रन आउट ऑफ द बर्निंग टेंट, कैसे टेंट्स में से बाहर आते, बर्निंग टेंट में से. तो ये एक वर्ब भी है और लेकिन ये एडजेक्टिव का भी काम कर रही है. तो ऐसे फॉर्म्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ किया जाता है. वी कैन प्लेस इट एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे ही सॉ द बॉय, बॉय बॉय को कैसा देखा था उसने, यहाँ पर आप देखोगे ही सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, द बॉय ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद हमने यूज़ किया, बॉय कैसा था, वीपिंग, रो रहा था, एक कॉम्प्लीमेंट दिया हमने कि बच्चा रो रहा था उसको मैंने देखा. वी सॉ द सन, हमने सन को देखा, सेटिंग मतलब डूब रहा था सन और तभी हमने उसे देखा. आई फाउंड द बॉय एंड द गर्ल सिटिंग टुगेदर, मैंने दोनों लड़का लड़की को बैठे हुए देखा, सिटिंग. तो बॉय और गर्ल के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि वो दोनों बैठे हुए थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे आई के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, वी के बारे में बात ही नहीं हो रही इसमें, इसमें तो सिंपल ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये. नेक्स्ट, आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद भी यूज किया जाता है, सच एज सीन, अपीयर,
ठीक है, वी कैन प्लेस एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे वर्ब, सीम्स है हमारा यहाँ पे वर्ब, सब्जेक्ट है ये वर्ब है, एंड देयर वीपिंग ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। गर्ल कैसी थी, रोते हुए देखा। द स्पीच वॉज बोरिंग, तो ये बोरिंग स्पीच जो थी वो बोरिंग, ये सब्जेक्ट है हमारी स्पीच, और स्पीच के बारे में बात हुई तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हम तीन फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, और एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। ओके, बोथ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आर यूज फॉर कंप्लीटिंग अ सेंटेंस। दोनों को हम क्यों यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, क्योंकि हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दे आर सेट टू बी यूज प्रेडिकेटिवली, और इसलिए हम उन्हें प्रेडिकेट में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप सेंटेंस देखोगे, दिस लॉन्ग जर्नी इज इंटरेस्टिंग, दिस लॉन्ग जर्नी, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाकी ये पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। अगर आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़े हैं ना, तो ये जो हमारा जो पार्टिसिपल फॉर्म है, यहाँ पर आप कहीं भी देखोगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों में प्रेडिकेट्स में यूज़ होगा, तो इसी वजह से यहाँ पर हम इन्हें प्रेडिकेटिवली भी यूज़ करते हैं। और सब्जेक्टिवली हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म सिंपल क्वालिफाइंग नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जैसे कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर दीज एज एन एडजेक्टिव फ्रेज वी जनरली पुट इट आफ्टर द नाउन। एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज़ करने के लिए हम इसे नाउन के बाद लगाते हैं जिस नाउन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पर्सन स्टैंडिंग ऑन द, जो पर्सन डोर के पास खड़ा है, केम जस्ट नाउ, अभी आया, स्टैंडिंग पर्सन जो कहाँ है, डोर पे खड़ा है। लेडी किसके किसे, जिसके पास बैग है, हैविंग द बैग। बुक, कौन सी बुक के बारे में बात हो रही है, लाइंग ऑन द बैग इज माइन। ठीक है, तो ये तीन जो चीज़ें हैं, ये जहाँ पर भी हम एडजेक्टिव फ्रेज में जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव भी तो है, स्टैंडिंग एट द डोर, हैविंग बैग, तो उससे हम पहले नाउन के जस्ट बाद लगा देते हैं पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन अर्ली एक्शन, किसी पहले एक्शन जो अभी पहले हुआ, मतलब एक एक्शन हुआ उसके बाद जो हुआ एक्शन उसको समझाने के लिए हम पहले वाले एक्शन को पार्टिसिपल फॉर्म में करते हैं। जैसे कि सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर रॉबर्स रन अवे। ठीक है, रीचिंग ऑन टॉप ही सॉ द मंकी, टॉप पे पहुँचते उसने मंकी को देखा। एंटरिंग द ड्राइंग रूम ही सॉ हिम, ड्राइंग रूम में जैसे उसने एंटर किया उसने उसको देखा। तो एंटरिंग, रीचिंग, सीइंग, ये जो है एक पहला एक्शन है, ये काम हो चुका है, उसके बाद ये काम हुआ है, पुलिस को देखने के बाद ही रॉबर्ट्स भाग गए। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि थर्ड फॉर्म आती है इसमें ब्रोकन, इंजर्ड, बर्नड। ठीक है, इसमें ज़्यादातर ईडी के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि इंजर्ड, डी सिंपल हमारा, जैसे कि फिनिश्ड, ड्रॉन्ट, और भी कई सारे होते हैं। टी के फॉर्म में बर्नड, तो यहाँ पे हमने एन के पास सीधा टी लगाया, ई एन, और एन भी होता है, जैसे ब्रोकन, ब्रोकन में ई एन ऐड हो रहा है ब्रोक के बाद, और एन भी आता है जैसे सीन, तो सी के बाद सीधा एन ऐड हुआ है सिर्फ सीन। ठीक है, तो पार्टिसिपल फॉर्म ज़्यादातर इन सब से एंड होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल डिनोट्स अ कंप्लीट, ये काम हो चुका है उसको डिनोट करते हैं। ब्रोकन कप, कप टूट चुका है। ठीक है, द वाउंडेड इंजर्ड और इंजर्ड पुलिसमैन, तो वाउंडेड पुलिसमैन है, तो पुलिसमैन वाउंडेड है, ये काम हो चुका है, उसे चोट लग चुकी है। ठीक है, द पास्ट पार्टिसिपल इज ड्राइव फ्रॉम अ ट्रांजिटिव वर्ब, अगर पास्ट पार्टिसिपल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब से आता है, उससे वहाँ से आता है, देन इट विल बी द ब्रोकन कप, तब द ब्रोकन कप। तो ये जो है हमारा पैसिव फॉर्म में होता है, जैसे उसमें था एक्टिव फॉर्म, ये होता है हमारा पैसिव फॉर्म में ब्रोकन कप, तो कप वॉज ब्रोकन, इसको हम कैसे नॉर्मल लिखेंगे सेंटेंस में, द कप वॉज ब्रोकन, तो ये हमारा पैसिव फॉर्म है। एक्टिव पैसिव वॉइस तो बताए थे ना, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। बाउंडेड पुलिसमैन, तो पुलिसमैन वॉज बाउंडेड। ठीक है, अ पास्ट पार्टिसिपल इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब विच वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, एंड इज ड्राइव फ्रॉम अ वर्ब, लेकिन वर्ब से ड्राइव होता है, और इन द थर्ड पोजिशन, जैसे ब्रोकन, ब्रोकन यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है ब्रोक, जो बर्ग ब्रेक से बना है, ब्रोक ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, और यहाँ पर एक एडजेक्टिव है कि कब कैसा था, ब्रोकन। ठीक है, पुलिसमैन कैसा था, वाउंडेड, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, और पैसिव फॉर्म में यूज़ होता है, और वो काम जो हो चुका है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, विद दीज टू सिंपल पार्टिसिपल, दो इन दोनों के अलावा भी जो हमने पढ़े, सिंपल पार्टिसिपल जो हमारा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के अलावा हमारा होता है थर्ड फॉर्म
परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म के बाद भी हम यहाँ पे क्या ऐड, पहले क्या ऐड करते हैं, हैविंग, हैविंग बीन, ठीक है, हैविंग होता है या तो हैविंग बीन, हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के बाद हम पहले पहले हम ऐड कर देते हैं इनको, एज हैविंग हर्ड और हैविंग बीन हर्ड आर कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। और हैविंग के साथ जब हम अपने फर्स्ट पार्टिसिपल वर्ब को लगाते हैं या हैविंग बीन के साथ लगाते हैं तो उन्हें हम परफेक्ट पार्टिसिपल्स कहते हैं। जैसे कि हैविंग हर्ड द लेक्चर वी गॉट बोर्ड, लेक्चर सुनने की वजह से हम, लेक्चर सुनने के बाद वी गॉट बोर्ड, हम बोर हो गए। हैविंग बीन एग्जामिन्ड आई केम बैक, हैविंग कम्प्लीटेड वर्क आई वेंट टू स्लीप। सेंटेंस थ्री में आफ्टर कम्प्लीटिंग वर्क मतलब काम पूरा होते ही आई वेंट टू स्लीप, लेक्चर सुनने के बाद ही हम बोर हो गए। तो परफेक्ट पार्टिसिपल ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है एज हैविंग कम्प्लीटेड सम पर्सन, कुछ टाइम बाद वो कम्प्लीट हो जाएगा। काम पूरा होते ही मैं सोने चला जाऊंगा, एग्जामिन होने के बाद ही मैं वापस आ गया, ठीक है, लेक्चर सुनने के बाद ही मैं बोर हो गया। तो ये एक ऐसा टाइम बताते हैं जो कुछ टाइम, जो ये बताता है कि कुछ सम पास टाइम, कुछ टाइम पास ही ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं समवट ही फ्यूचर भी आता है और समवट ही परफेक्ट भी आता है, प्रेजेंट भी आता है, तो इस टाइम को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइजेस गिवन है, एक्सरसाइज वन, एक्सरसाइज टू, तो ये आपको करनी है, ट्राई करनी है। नेक्स्ट, जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल, हम सेंटेंसेस को जॉइन कर सकते हैं बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल, कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप देखिए, वी सॉ अ बुल, द बुल वॉज कमिंग इन अवर डायरेक्शन। तो आप देखेंगे सेंटेंस में यहाँ पर क्या है, एक सेंटेंस का आप इसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर वी एक सब्जेक्ट है, सॉ हमारा एक वर्ब है और बुल यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा बुल ही सब्जेक्ट है, मतलब जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड सेंटेंस। तो ऐसे केस में हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, वी सॉ अ बुल कमिंग, वॉज भी नहीं लगाएंगे, सिंपल कमिंग इन अवर डायरेक्शन। ही सॉ सम बर्ड्स, उसने सम बर्ड्स को देखा, दे वर फ्लाइंग इन द स्काई। तो यहाँ बर्ड्स के बारे में तो बात हो रही है, अब पर्सन तो फ्लाई करेगा नहीं, बर्ड्स के बारे में तो बात हो रही है कि उसने कुछ बर्ड्स को देखा जो स्काई में उड़ रही थी। तो उसने, इसे हम कंबाइन कैसे करेंगे पार्टिसिपल से, ही सॉ सम बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हम हटा देते हैं, ठीक है। द स्टैग शो द हाउंड्स इट टुक टू हिज हील्स। तो ऐसे फॉर्म्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम तो नहीं है लेकिन ऐसे में हम जो हमारा फर्स्ट का वर्ब होता है उसे हम आईएनजी फॉर्म में लाते हैं। सीइंग द हाउंड्स, सीइंग द हाउंड्स द स्टैग टुक टू हिज हील्स, क्योंकि यहाँ पे इट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैग को, तो इसीलिए हमने लिखा सीइंग द हाउंड्स द स्टैग टुक टू हिज हील्स, ठीक है। जैसे कि पिक पॉकेट सॉ द पुलिसमैन एंड रैन अवे। तो कभी कभार अब जैसे देखा कि आपने जो यहाँ पर था, ज़्यादातर आपने सेंटेंस देखे तो इसमें क्या था कि जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था वो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता था, इसलिए आपने आसानी से कंटिन्यूस फॉर्म में पार्टिसिपल्स में कन्वर्ट कंबाइन कर लेते थे। लेकिन समटाइम्स द सेकेंड टास्क शो द फर्स्ट, जो सेकेंड वाला टास्क है, जो सेकेंड सेंटेंस है वो पहले वाले को शो करता है कि वो काम पहला वाला हो चुका है, जो सेकंड सेंटेंस है वो ये शो करता है कि पहला वाला काम हो चुका है और तब उसके बाद ये काम हुआ है, तब ये सिचुएशन जब ऐसी आती है तो वी कंप्लीट द वर्ब रेफरिंग द फॉर द फर्स्ट ऑफ द टास्क। तब हम ऐसी वर्ब को रेफर करते हैं जो ये शो करे कि पहला वाला काम हो चुका है, उसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज़ करते हैं। जैसे कि द पिक पॉकेट सॉ द पुलिसमैन एंड रन अवे, तो पिक पॉकेट ने पुलिस को देखा था और इसलिए वो भाग गए। तो हैविंग सीन द पुलिसमैन पिक पॉकेट रन अवे, पुलिस को देखने के बाद पिक पॉकेट भाग गया। I have spent all my money. मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। I asked for some from my friend. इसलिए मैंने अपने फ्रेंड से, तो ये जो है कि क्यों, अगर इसका रीज़न ये है तो इसीलिए हम इसमें लिखेंगे having spent all the money, all my money, अपने पैसे सारे खर्च करने के बाद I asked for some from my friends. मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एक्सरसाइज है जिसमें आपको टू सेंटेंस को कंबाइन करना, जैसे द बॉय सॉ द हेयर वॉज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में, तो द बॉय सॉ द हेयर कमिंग इन हिज डायरेक्शन, ठीक है, कमिंग इन हिज डायरेक्शन। शी फाउंड अ हैवी रश एट द रेलवे स्टेशन, शी डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी। सो फाउंडिंग अ हैवी रश एट द रेलवे स्टेशन, शी डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी।
तो इसी फॉर्म में आपको ये एक्सरसाइज का ट्राई करनी है और ये जितने भी पार्टिसिपल्स को इस वीडियो को देखकर पार्टिसिपल्स को समझना है। और जहाँ तक कि ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इट इज़ इररिलेवेंट, ठीक है, इट इज़ नॉट टू इम्पॉर्टेंट, सो लेफ्ट दिस पार्ट। सो कंप्लीट द एक्सरसाइजेज एंड वॉच द वीडियोज अगेन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक।